हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एकेडमी क्लासेस। आज इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ, जिसमें आपका पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है या करेंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करेंट आई फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से चारों तरफ किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ क्या है, जब किसी भी वायर में या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम बायो सावर्ट का नियम यूज करते हैं। तो जिसमें आपका पहला एप्लीकेशन, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी किसी कोई एक लंबा सीधा वायर हम कह सकते हैं, लंबा एक आपका कंडक्टर है, चालक है, और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पास में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है। ये सपोज कर ले रहे हैं हम, मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट वायर एक्स वाई, ये एक्स वाई आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी हम सपोज कर रहे हैं जहां पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए इसको मिला दे रहे हैं यहां से और इस वायर को सिर्फ यहां से मिला दे रहे हैं। ये वाला एंगल फाई, ये वाला एंगल, इसको हम फाई वन कंसीडर करते हैं, इसको फाई टू कंसीडर कर ले रहे हैं। क्लियर? चलिए, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसके बाद फिर हम टोटल उसके लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, यानी इंटीग्रेशन करके। तो सबसे पहले हम एलिमेंट, मान लीजिए एक एलिमेंट्री पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक इसका वायर का हम कंसिडर कर ले रहे हैं, जिसका लेंथ हम सपोज कर ले रहे हैं डीएल। क्या लेंथ है? डीएल, यहां से यहां तक। इसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है और इसको हम दिखा रहे हैं इधर डीएल। चले, तो इस एलिमेंट्री पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट और डीएल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां से करंट एलिमेंट से ओ, डिस्टेंस पी मिला देंगे ये चीज, इसको हम आर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक ए है। इस पॉइंट को हम क्यू मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को सपोज हम कर ले रहे हैं ओ। क्लियर? आप ध्यान से देखें, यहां से यहां तक ये लेंथ जो है हम एल कंसीडर कर ले रहे हैं, ये चीज। तो सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर निकालेंगे, उसके बाद टोटल जो वायर है एक्स वाई उसके लेंथ की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो चलें, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ, तो आप जानते हैं इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डीवी म्यू जीरो आई म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आईडीएल साइन, ये एंगल जो है करंट एलिमेंट और इस डिस्टेंस के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा मान ले रहे हैं, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान से देखेंगे इस ट्राइंगल में ओ क्यू और पी, इन ट्राइंगल ओ क्यू
हमने कहा है ना इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट पी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। तो मान लीजिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल मान लीजिए हम फाई कंसिडर कर रहे हैं, यहां से यहां तक फाई वन है, यहां से यहां तक फाई टू है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल को हम सपोज कर ले रहे हैं फाई, यहां पे ये वाला एंगल ये। तो ध्यान समझेंगे, यानी ये बीच जो गैपिंग बन रही है फाई और थीटा मिलकर क्या आएगा 90 के इक्वल, क्योंकि इसी ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वह 180 होता है, हो जाएगा फाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना 90। तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई, क्लियर। आप ध्यान देखें साइन थीटा, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाई, यानी हम अगर बात करें साइन थीटा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस फाई। आप अच्छी तरीके जानते हैं साइन 90 माइनस फाई इक्वल टू होता है कॉस फाई, ओके। चले यानी साइन थीटा का वैल्यू में ये पता हुआ कॉस फाई। अब ध्यान दें कॉस फाई का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देखें इस ट्राइंगल से, अगर ये फाई है तो यहां से कॉस फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण। आप देखें थीटा के सामने वाला साइड ये तो आपका यहां से देखेंगे फाई, फाई के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा यानी ए अपॉन आर। तो डिस्टेंस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा ए कॉस ए अपॉन कॉस फाई, आर का वैल्यू निकल आया। अब ध्यान दें साइन थीटा आर, अब देखें एक और चीज भी हम निकाल सकते हैं टेन फाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत क्या है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी क्या और इसमें फार्मूला बन सकने का संभावना है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम इसमें रख देंगे, आर का वैल्यू पता, आर का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में। आप हमें डीएल की जरूरत पड़ेगी, डीएल आप देखें साइन टेन फाइव लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस, तो फाई के सामने परपेंडिकुलर क्या है एल है, बेस कितना है तो ये है ए। तो यहां से क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे एल इक्वल टू ए टेन फाई, हमारा मेन मकसद है साइन थीटा का वैल्यू पता हो जाए, आर का वैल्यू पता हो जाए और डी एल का वैल्यू पता हो जाए, और इन तीनों का वैल्यू पता हो जाए और इसी इक्वेशन नंबर वन में पुट करके जो भी फार्मूला हम निकालेंगे एक दूसरा रिफॉर्म फार्मूला आ जाएगा इसका। आप देखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएट अगर डिफरेंशिएट इसको हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा dl इक्वल टू tan phi sec स्क्वायर phi, यानी a कांस्टेंट है और sec स्क्वायर phi d phi, इसको इंटीग्रेट अगर हम करें तो ये वैल्यू आएगा, इस प्रकार से dl का वैल्यू पता हो गया। चलें पुटिंग ऑल दिस वैल्यू sin थीटा r और dl इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में इन सब का वैल्यू पुट करें तो dB फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन करेंगे तो हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू जीरो
आई अपॉन 4 पाई, डीएल का वैल्यू पर रख दें ए सेक स्क्वायर पाई डी फाई, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया कॉस फाई, ओके अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अगर आर का वैल्यू हमें पता है ए कॉस फाई, ए कॉस ए अपॉन कॉस फाई, इसको हम लिख सकते हैं ए सेक फाई, ऐसा लिख सकते हैं, और हमें जरूरत है आर स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, क्लियर। आप ध्यान से देखेंगे ए स्क्वायर यहाँ पे ए है कैंसिल हो जाएगा तो एक ए बचेगा, सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल हो जाएगा, अब टोटल क्या बचा म्यू जीरो आई कॉस फाई डी फाई अपान फोर पाई, ये बचा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ड्यू टू द करेंट कैरिंग कंडक्टर, यानी इस टोटल करेंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई की वजह से, टोटल लेंथ की वजह से, क्योंकि लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम करंट एलिमेंट डीएल की वजह से निकाल रहे थे, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो यहां लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करेंट कंडक्टर, तो B इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे इसको, इसको इंटीग्रेट करेंगे, मान लीजिए ये टर्म है तो जिसमें इसमें कांस्टेंट जितने हैं सब बाहर हो जाएंगे, म्यू जीरो आई ये तो बाहर, फोर पाई बाहर, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है फाइ वन से लेकर फाइ टू तक, फाइ वन से लेकर फाइ टू तक, फाइ वन से लेकर फाइ टू तक। आप ध्यान समझेंगे ये वाला इक्वेशन, ये जो आपका एंगल है फाइ वन और फाइ टू, इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन के नीचे, इसको हम माइनस और इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, माइनस फाइव वन और इसको पॉजिटिव प्लस फाइव टू कंसीडर करेंगे, कॉस फाइव डी फाइव, एक स्टेप और इसको चलते हैं, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई कॉस फाइव का हो जाएगा साइन फाइव, कॉस फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन फाई माइनस फाइव वन से लेकर कहां तक फाइव टू तक, इसको सॉल्व करेंगे। चले आते हैं यहां इस टर्म को यहां करते हैं बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपान फोर पाई, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट में हो जाएगा साइन फाइव टू माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये माइनस फाइव वन, जब साइन फाइव वन रखेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन फाइव वन, इट मीन्स बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई ब्रैकेट में साइन फाइव को पहले कर दे रहे हैं साइन फाइव टू। तो ये तो रहा मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद कुछ हम टर्म कंडीशन देखेंगे, नोट करेंगे। हाँ, कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस। इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनेटली लॉन्ग एंड द पॉइंट पी लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एक्स वाई जो कंडक्टर है ये बहुत ही लॉन्ग है और जो पी है ये इतना नज़दीक है कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे हमने कंसिडर किया था ये आर ए, ये वाला डिस्टेंस आर था और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए इतना छोटा हो जाता है कि कंपैरेटिवली एक्स वाई जो कंडक्टर है उसको हम इनफाइनेटली लॉन्ग सपोज कर लेते हैं, यानी पी पॉइंट इस एक्स वाई कंडक्टर के इतना नज़दीक हो जाता है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ कहीं यहाँ, तो जो डिस्टेंस ये है बहुत ही छोटा हो जाता है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनेटली लॉन्ग एंड द पॉइंट पी लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि उसके मिडिल मध्य भाग में नज़दीक, मध्य भाग पर नहीं बल्कि उसके नज़दीक पहुंच गया है पॉइंट, उस केस में जो एक्स वाई होगा बहुत इनफाइनाइट हम कंसीडर करेंगे, और उस केस में लिखेंगे देन जो मैग्नेटिक फील्ड आपका निकला है फाइव वन और फाइव टू दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, फाइव वन और फाइव टू आपस में इक्वल 90 डिग्री, ये वाला जब इतना नज़दीक हो जाएगा तो जब इसको हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये फाइव वन और फाइव टू लगभग उस पर परपेंडिकुलर, यानी ये डिस्टेंस वाई से जो हम यहाँ मिलाएं पी पे, तो जब पी पॉइंट यहाँ पे जाएगा इस पॉइंट जब यहाँ मिलाएंगे पी पे तो कहीं ना कहीं वह 90 डिग्री ऐसा हम सपोज करेंगे, तो 51 इक्वल टू 52 इक्वल टू 90 डिग्री। चलें तो यहां से क्या हो जाएगा, हेंस बी इक्वल टू म्यू जीरो आई साइन फाइव, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो साइन 51 1 और साइन 52 भी 90 है तो वो भी 1, 1 1 2 क्या हो जाएगा 2, म्यू जीरो आई इन टू हम 2 लिखेंगे अपॉन 4 पाई। ये डिस्टेंस यहाँ पे ए बचा था, लास्ट में कटा था तो ए बचा था, ध्यान दीजिएगा ऊपर ए था नीचे ए स्क्वायर था तो कट के ए बचा था, यहाँ पे ए हो गया तो 2-2 से कैंसिल हुआ, क्या म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई, इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 पाई ए। ओके, इस प्रकार से बी का वैल्यू ये आया। इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनिटली लॉन्ग बट द पॉइंट पी लाइज नियर द एंड वाई, यानी कि एक्स वाई इन्फाइनेटली लॉन्ग है, जो पी है वह कहाँ पे लाई कर रहा है, नियर द वाई, वाई के नज़दीक है, उस केस में जब हम एक्स से उस पी पे मिलाएंगे तो ये जो आपका फाइव वन होगा तो 90 डिग्री होगा, और फाइव टू इस केस में क्या हो जाएगा 0 वन सपोज करेंगे जब इसके एकदम नज़दीक रहेगा, तो फाइव वन इक्वल टू 90 और 52 इक्वल टू 0, उस केस में क्या हो जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए, साइन 51 91 रहेगा और साइन 52 का वैल्यू 0 और साइन 0 10, इट मींस ए। क्लियर, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, और भी एप्लीकेशन है 2-3 तो आप इसको नोट करेंगे, तब तक लिए थैंक यू सो मच।